हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी बाइक में इस तरह के एडजस्टेबल रेसिंग लीवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी बाइक में इस तरह से लगे रहेंगे। ब्रेक का और क्लच का दोनों में आपको सिक्स एडजस्टिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और दोस्तों, ये जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, ये कलर चेंजिंग टी शर्ट है जो कि आउटडोर और इनडोर लोकेशन पे अलग अलग लाइट के अकॉर्डिंग कलर चेंज करती है। आप इसके फ्रंट का पिंक कलर देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक ग्लो हो गया है डे के टाइम में। और इसको दोस्तों मैंने परचेस किया है स्वदेशी मर्चेंडाइज से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसी तरह की और भी कूल टी शर्ट वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एडजस्टेबल रेसिंग लीवर के बारे में। तो दोस्तों, इसको मैंने परचेस किया हुआ है अमेजोन से और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको और भी तरह के कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि रेड या फिर सिल्वर। और इसको आप अपनी किसी भी तरह की बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको राइट ब्रेक का ये वाला ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करेंगे तो आपका जो पुराना वाला लीवर है वो निकल आएगा और उसकी जगह पे आपको ये नया वाला एडजस्टेबल रेसिंग लीवर लगा देना है। ये मॉक्सी के रेसिंग लीवर है और मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपको सारी बाइक के लिए मिल जाएंगे जैसे कि अपाची, पल्सर या फिर और कोई R15 वगैरह। तो ये फ्रंट वाला जो ब्रेक लीवर है इसको इस तरह से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर एक नट लगा हुआ रहता है, नट बोल्ट वाला सिस्टम रहता है जिसको आपको ओपन करके रिप्लेस करना है। तो ये वाला जो है दोस्तों वो इंस्टॉल हो गया है। आप इसको प्रेस करके देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग है ये है या नहीं, या फिर आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ड्राइविंग पोस्चर या फिर सिटी के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग इनको आप प्लेस टू प्लेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों क्लच वाला इंस्टॉल करेंगे। तो क्लच वाले लीवर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्लच रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि क्लच बार कनेक्ट रहता है जिससे क्लच जो रहता है टाइट रहता है। तो इसमें आपको क्लच रिलीज करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो क्लच वायर को ढीला कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से खोल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको ओपन कर दिया है तो जो क्लच है वो फ्री हो गया है। अब मैं आपको क्लच दिखा देता हूँ, उसके बाद जो क्लच लीवर है उसको चेंज करेंगे। इसको खोलने से दोस्तों जो प्रेशर क्लच का खिंचा हुआ रहता है वो रिलीज हो जाता है। इसके बाद अपना आप लीवर देख सकते हैं किस तरह से हो गया है। तो अब हम इसको आसानी से रिप्लेस कर सकेंगे। आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है जिससे आपका जो पुराना लीवर वो निकल आएगा स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। उसके बाद आपको जो लीवर रहेगा उसको रिप्लेस करना है, क्लच वायर निकालना है इस तरह से, इसमें वायर लगाना है और इसको वापस लगा देना है। तो आपका जो क्लच वाला लीवर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसमें भी आपको सिक्स एडजस्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये हर बाइक के लिए अलग अलग आते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। R15 के लिए भी आपको मिल जाएगा, CVR के लिए, पल्सर के लिए, अपाची के लिए, या फिर और कोई बाइक है तो आप उसको सर्च कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा क्लच रिलीज है उसको वापस लगा देंगे जिससे जो क्लच है वो वर्क करना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से जो क्लच अनलॉक किया था उसको वापस फिक्स कर देंगे। तो ये देख सकते हैं क्लच भी लग गया है। तो जो हमारे मॉक्सी के रेसिंग लीवर हैं दोस्तों वो इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं आपको एक बार उनके लीवर की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। बात की जाए क्वालिटी की तो ये हाई क्वालिटी CNC एल्यूमिनियम मटेरियल से बने हुए हैं। जो हमारे कंपनी से लगे हुए आते हैं उतने ही मजबूत रहते हैं। इसमें आपको एडजस्टिंग के ऑप्शन भी मिल जाते हैं और देखने में थोड़े से स्पोर्टी लगते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब ब्रेक वाला भी सेम टू सेम रहता है इस तरह से। तो इसको अपनी किसी भी तरह की बाइक में लगा सकते हो, बाइक के कलर के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैंने ये ब्लू कलर की परचेस किए हैं। आप रेड सिल्वर परचेस करना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकेंगे। एडजस्टमेंट में होता क्या है, ये जो लीवर रहते हैं वो पास और दूर होते हैं। हमारी जो हैंड ग्रिप रहती है उससे पास दूर डिस्टेंस कवर करते हैं जिससे हमारे जो फिंगर के अकॉर्डिंग हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। कोई और आपकी बाइक चलाता है, उसकी फिंगर की लेंथ अलग रहती है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है। नहीं तो आप भी अगर इसको चलाते हैं और आप ट्रैफिक वगैरह रहता है, क्लच प्रेसिंग बार बार रहती है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हैं। इससे बाइक की हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है ट्रैफिक में कंट्रोल करते समय। और आप देख सकते हैं इसमें भी आपको इस तरह के एडजस्टिंग ऑप्शन मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एडजस्टिंग कर सकते हो। चलाते समय भी हो जाते हैं, बहुत ही स्मूथ इसकी स्लाइडिंग रहती है। इसमें आप ग्रीस वगैरह भी लगा सकते हो। यहाँ पर जो स्लाइडर लगा रहता है नीचे कंपनी से लगा हुआ आता है, नहीं तो आप उसको खुद भी लगा सकते हैं। प्रेसिंग इसकी एज इक्वल रहेगी आपके पहले जैसे लीवर की तरह क्योंकि ये बाइक के अकॉर्डिंग बन के आते हैं उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी न्यू प्रोडक्ट अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ।
और किसी भी प्रॉब्लम को होने पे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।